स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट जॉब्स में। तो दोस्तों, आज की जो वैकेंसी है आप सभी की ECIL की तरफ से वैकेंसी आ रही है। ECIL मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसी आ रही है गाइज। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के यहाँ पर जो है अंडर वर्क करती है, साथ में देखिए डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर यहाँ पर वर्क करती है। इंटरप्राइजेस कंपनी है, काफ़ी अच्छी यहाँ पर रिक्रूटमेंट रहने वाली है। साथ ही यहाँ पर मैं आप सभी के लिए पहले ही बता देती हूँ गाइस, ये वैकेंसी परमानेंट रहने वाली है, ना ही ये आपके अप्रेंटिस है ना ही कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है। तो गाइस, इसमें काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी, साथ ही बिल्कुल परमानेंट वैकेंसी रहेगी। अगर आप एक बार यहाँ पर ज्वाइन हो जाते हैं तो उसके बाद आप सभी परमानेंट हो रहने वाले हैं गाइस। यहाँ जो है आपका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और साथ में सारी जो है इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ गाइस। यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि यहाँ पर देखिए फ्रेशर है कि आज जो है आप सभी के लिए वैकेंसी आ रखी है। तो चलिए मैं नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेती हूँ और साथ ही देखिए ऑल इंडिया में आप सभी कहीं से भी बिलोंग करते हैं सभी अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो है नोटिफिकेशन आप सभी को पाना है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए गाइस। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है और इंस्टाग्राम की भी लिंक दी गई है, वहाँ से जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपका कोई भी डाउट होता है तो आप सभी पूछ सकते हैं। साथ ही गाइस, आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ जो वैकेंसी है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से आ रही है और आप लोगों की देखिए ईमेल आईडी भी यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। साथ ही गाइस, यहाँ जो आपकी वैकेंसी रहने वाली है परमानेंट वैकेंसी रहेगी, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से बिल्कुल परमानेंट वैकेंसी रहने वाली है गाइस। देखिए आप सभी को थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा हल्का सा, बिकॉज ये जो है आपका नोटिफिकेशन शॉर्ट नोटिफिकेशन है, थोड़ा छोटा था, मैंने जो है इसको थोड़ा जूम कर लिया है क्योंकि आप सभी को थोड़ा दिख पाए इसलिए मैंने इसे जूम किया है। लेकिन जूम करने की वजह से ये थोड़ा ब्लर हो गया है, बट मैं आप लोगों को जो है इंफॉर्मेशन दे दूंगी। आप लोग या फिर एक काम कीजिए, आपको हाई क्वालिटी पर कर लीजिए वीडियो को, फिर आपको मिल जाएगी। ओके, तो चलिए देखिए यहाँ पर जो वैकेंसी रहने वाली है आईटीआई वालों की रहने वाली है गाइस, आईटीआई वालों की वैकेंसी रहेगी। साथ ही कौन कौन एलिजिबल है देखिए, पोस्ट यहाँ पर रहने वाला है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की, साथ ही यहाँ पर फिटर इलेक्ट्रिशियन, ये 11 पोस्ट दी गई हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की, फिटर वालों की 12 है, इलेक्ट्रिशियन वालों की 3 पोस्ट दी गई हैं। साथ ही मैकेनिस्ट मैकेनिस्ट वालों की 10 पोस्ट दी गई हैं, टर्नर वालों की 4 पोस्ट दी गई हैं। ये सभी आईटीआई की ब्रांचेस हैं, अगर आपने आईटीआई किया है तो आप लोग बिल्कुल एलिजिबल हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोग बात करूँ गाइस, यहाँ जो है आईटीआई आप लोगों ने किया है, एनटीसी या फिर देखिए आपने 10th किया है। यहाँ पर क्या होता है कि आईटीआई आपकी 10th के बात की जाती है और आपके पास अगर 1 ईयर एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही देखिए 1 ईयर, देखिए मैं आपको बता दूं आईटीआई वालों का, जो हमारे आईटीआई वाले स्टूडेंट होते हैं जो 2 साल के आईटीआई करते हैं, उनका एक तरीके से जो 1 साल होता है एक्सपीरियंस में ही देखा जाता है, क्योंकि वो लोग 2 साल की आईटीआई ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ जो है आप लोग यहाँ पर जो एक्सपीरियंस वाले भी अप्लाई कर लेना। और गाइस, ये फ्रेशर्स के लिए भी वैकेंसी आएगी तो फुल नोटिफिकेशन जारी होगा तब आप लोग देख सकते हैं। सैलरी पैकेज आप लोग का काफ़ी तगड़ा रहने वाला है, ये देख सकते हैं 20,480 यहाँ पर आप लोग का सैलरी रहने वाला है। मतलब देख जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं इसका इंक्रीज भी होता रहेगा। नेक्स्ट जो आपकी मिनिमम एज लिमिट है 18 है, मैक्सिमम यहाँ जो है 28 एज लिमिट दी गई है। लास्ट डेट के अकॉर्डिंग आप सभी की देखी जाएगी, इसमें डेट भी दी जाएगी और कुछ आपको रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, क्योंकि रिलैक्सेशन सभी में दिया जाता है एज पर यहाँ पर गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। SC ST OBC PWD एक्स सर्विस में सभी के लिए गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, यह जो है आप लोगों को रिलैक्सेशन बताया गया है कितना कितना दिया जाएगा वो देख लीजिए। नेक्स्ट यहाँ जो दिया गया है इम्पॉर्टेंट डेट, तो डेट भी यहाँ पर बता दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं डेट आप लोगों की जो है स्टार्टिंग डेट गाइस, देखिए अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ये शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, 1-2 दिन में ये जो है इसका हो सकता है कि फुल नोटिफिकेशन भी आ जाए। तो फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आप सभी को यहाँ इस चैनल पर अपडेट मिल जाएगी, काफ़ी अच्छी अपडेट रहने वाली है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जिससे कि आप लोग के अपडेट आए तो सबसे पहले इस चैनल से आप लोगों को मिल सके। यहाँ जो है 4 जून से ये स्टार्ट हो जाएंगे, साथ ही लास्ट डेट जो है 25 जून है, तो लगभग काफ़ी टाइम है, मतलब 20 से 25 दिन आप लोग को मिल जाएंगे। बट आप लोग 20 से 20 दिन के करीब ना देखें, क्योंकि लास्ट में क्या होता है हम लोग वैकेंसी को भूल भी जाते हैं, अप्लाई नहीं कर पाते, या फिर हमारा जो है फॉर्म रह जाता है, बहुत ज़्यादा इशू हो जाते हैं, तो आप लोग अप्लाई ज़रूर कर दें।
रिटन टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ट्रेड टेस्ट होगा। ये तो आप लोगों के टेस्ट होने वाले हैं। साथ ही देखिए यहाँ पर तीनों लिंक दी गई हैं, जैसे विल बी आप लोगों को जैसे मेल आएगा, मेल आएगा तो देखिए यहाँ जो है आपका दिया गया है ईमेल, जो है ईमेल आईडी, जो ये जो लिंक है आप लोगों को दी गई है, इस लिंक पर क्लिक करेंगे जो इसकी मेन साइट है। देखिए मैं आपको बता दूं, इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको मेन साइट पर पहुंच जाएंगे। अभी मैंने आप सभी को बताया जहां से नोटिफिकेशन डाउनलोड किया वही लिंक दी गई है, वहां पर ये आप सभी को बता दिया जाएगा कौन कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल है कौन नहीं है। तो ये आपके दोनों जो मेनली ये दोनों लिंक दी गई है मेन वेबसाइट की। और गाइज ये जो है शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, लॉन्ग जो है इसका फुल नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा कुछ टाइम में, और अगर फुल नोटिफिकेशन आता है तो आपको इन्फॉर्मेशन जरूर दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले कि यदि मैं अगर वीडियो नहीं बना पाऊँ तो आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर इसकी जो है अपडेट प्रोवाइड करूंगी। तो गाइज वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।